प्रदेश सरकार के द्वारा प्रदेश में सरकारी संस्थानों को डी नोटिफाई करने पर पंचायत प्रतिनिधियों व जनता में भारी रोष है। ऐसे में कुल्लू जिला में दर्जनों सरकारी संस्थानों को डी नोटिफाई करने पर पंचायत प्रतिनिधियों ने उपायुक्त के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन भेजकर जन विरोधी फैसलों पर उचित कार्रवाई करने की मांग की है। प्रधान वर्तमान प्रधान श्रीमान चंद्रग्राम पंचायत करावगी, जो कि हमारी पूर्व सरकार ने जो मतलब दो बटनरी और डिस्पेंसरी दी थी, मतलब सर्वे जनिक मतलब उनको जो है बंद किया गया। हम सरकार से ये कहते हैं कि मतलब जो हमारी नोटिफिकेशन हुई है, उद्घाटन हुआ है, कैसे इन्होंने बंद किया। हम इसका रिजल्ट लेना चाहते हैं। एक हफ्ते का मैटम देते हैं कि भले एक हफ्ते में अगर नहीं लिया तो लिया, नहीं तो हम आंदोलन डी सी साहब के पास देंगे। हिमाचल प्रदेश में सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व में नई सरकार बनी है। अभी मंत्रिमंडल का गठन भी नहीं हुआ है, ना ही कोई कैबिनेट की बैठक हुई है, लेकिन बड़े दुर्भाग्य की विषय है कि जहां इस समय सरकार को बधाई देने का समय था, लेकिन जिन्होंने अभी हाल ही इस सरकार ने जो ये दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से ये डीनोटिफाइड करने का जो ये हिटलरशाही फरमान जारी किया है, उसके खिलाफ क्षेत्र की जनता में भारी रोष है तथा यहाँ विभिन्न तीन पंचायतों के जनप्रतिनिधि यहाँ आकर ये विरोध करते हैं तथा ये मांग करते हैं कि जल्द से जल्द जो ये डीनोटिफिकेशन हुआ है उसको अगर सुचारू रूप से फिर से नहीं चलाया गया तो एक उग्र आंदोलन होगा। यदि जिसकी जो जिम्मेवारी है लॉ एंड ऑर्डर की, अगर स्थिति बिगड़ती है तो उसकी जिम्मेवार सरकार खुद होगी। आज उपायुक्त कुल्लू के माध्यम से हमने ये ज्ञापन दिया है कि जल्द से जल्द एक हफ्ते के अंदर यदि इस पर विचार नहीं किया गया तो एक बड़ा आंदोलन होगा। हमने सामूहिक रूप में उपायुक्त महोदय के माध्यम से राज्यपाल महामहिम को ज्ञापन सौंपा है। आज हमारे साथ कारसू पंचायत के प्रतिनिधि व जनता, रावगी पंचायत, सोहिल पंचायत की जनता इस मौके पर आज यहां पर इकट्ठा हुए हैं। जिस तरह से पूर्व सरकार ने हमारी जनता की मांगों को ध्यान में रखते हुए हमें बहुत सारे संस्थान दिए थे, आज वर्तमान सरकार हिटलर शाही सरकार सुक्खू सरकार ने सारे के सारे संस्थान निरस्त कर दिए, जो कि बड़े दुर्भाग्य की बात है, बड़े निराशाजनक बात है। यहाँ तक बात की जाए हमारे पंचायत क्षेत्र की, हमारे पंचायत क्षेत्र के लिए पूर्व सरकार ने हमें दो पशु औषधालय दिए थे, जिनका विधिवत रूप से उद्घाटन भी हुआ था। इसके साथ एक आयुर्वेदिक संस्थान दिया था, साथ में एक पटवार सर्कल दिया था, जिनको वर्तमान सरकार ने बिल्कुल निरस्त किया। जहाँ तक बदले की भावना होती है, बदला व्यक्तिगत तौर पर मानते हैं। जहाँ जनता के साथ बदला होता है वहाँ लगता है कि जल्द इस सरकार का जो ये तख्त पलटने वाला है। और मैं इस मीडिया के माध्यम से आपको ये बताना चाहूँगा कि यदि सरकार इस फैसले को वापस ना लेती है तो हमारी इस कारसू पंचायत की जनता एक बहुत बड़ा उग्र आंदोलन करने वाली है। सिटी चैनल के लिए कुल्लू से दिलीप ठाकुर की रिपोर्ट।